राज्य के कृषि मंत्री दादा भुसे इनकी अध्यक्षता में खरीफ हंगाम के पूर्व तैयारी की आड़ावा बैठक सोमवार को बचत भवन जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई है। इस दौरान दादा भुसे इन्होंने विविध मुद्दों पर जानकारी दी। राज्य के कृषि मंत्री दादा भुसे इनकी अध्यक्षता में खरीफ हंगाम के पूर्व तैयारी की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में खेती की बुआई के लिए लगने वाले बीज, खाद और विविध मुद्दों पर चर्चा की गई। नागपुर विभाग में मुख्यतः धान, तुवर, सोयाबीन और अन्य फसल की बुआई के लिए बीज खाद की कमी किसानों को नहीं होगी। खरीफ हंगाम आढ़ावा बैठकी अपने नागपुर विभाग बैठकी नागपुर के पालकमंत्री माननीय नितिनजी राउत साहेब, माननीय विजयजी वडेट्टीवार साहेब, माननीय सुनीलजी केदार साहेब, व्हीसी वरुण माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब, इथं उपस्थित माननीय आमदार आशीषजी जयस्वाल, माननीय आमदार चतुर्वेदीजी, जिल्हाधिकारी, सीईओ आणि व्हीसीच्या माध्यमातून काही सन्माननीय आमदार महोदय, लोकप्रतिनिधी आणि कृषी विभागाचे सर्व अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते। नागपूर विभागाच्या 6 जिल्ह्यांच्यासाठी येणाऱ्या खरीप हंगामामध्ये लागणारे बियाणे, लागणारी खते आणि वेगवेगळ्या विषयांवर आज इथे विचारमंथन करण्यात आलेले आहे। बेमौसम बरसात के चलते राज्य में किसानों की फसल का काफी नुकसान हुआ है। कई जगह ओले गिरने से पूरी फसल तबाह हुई है, लेकिन केंद्र द्वारा किसी भी तरह की मदद नहीं दी गई। विदर्भ में बाढ़ आई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी भी तरह की मदद नहीं दी है। सभी का मुआवजा राज्य सरकार अदा कर रही है, जिससे कुछ मुआवजा देने में थोड़ी देरी हो रही है, ऐसा मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार इनके द्वारा कहा गया। आणि मोठा मोठा नुकसान झालं महाराष्ट्राचं, गारपीट झाली आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालं, तिथेही काही अजून मदत मिळाली नाही। पण राज्य सरकारने 10,000 कोटीचं पॅकेज दिलं, त्यातले फक्त 485 कोटी रुपये देणं शिकलं काय, आणि तेही पुढच्या 8-10 दिवसांमध्ये ते सगळे पैसे देऊ। केंद्र सरकारने मात्र ना पुरासाठी मदत केली, विदर्भात पूर आलेला होता, महाराष्ट्रात पूर आला, गारपीट झाली, कुठेच काय केंद्र सरकारची मदत नाही। आम्ही 3-3, 4-4 पत्र पाठवून झालेत केंद्र सरकारकडे, ती मदत आली तर मात्र SDRFच्या निकषाप्रमाणे प्रति हेक्टरी जे काही निकष ठरले 6,800 रुपये किंवा राज्य सरकार अधिकचा वाटा टाकून त्यामध्ये अधिकची मदत देता येईल, पण सर्व वाटा राज्य सरकारनेच उचलला तर मदत करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात, त्याला मर्यादा येतात, पण तो तपासून घेऊ आणि नक्की मदत करण्याचं धोरण राज्य सरकारचं आहे। थोडासा एक कोरोनाची परिस्थिती झाली की त्यावर चर्चा करून निर्णय घेऊ। दादा भुसे विदर्भ के दौरे पर है। उन्होंने आज नागपुर विभाग के लिए बैठक ली, जिसमें आने वाले दिनों के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी दी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।